हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्राइटेस्ट डे का एक और एक्साइटिंग पार्ट। और इस पार्ट में हम देखेंगे कि एक्वामैन के कटे हुए हाथ के बाद एक्वामैन क्या करता है, या फिर ब्लैक मंटा के हाथों वो मारा जाता है। और रही बात प्रॉमिस की हुई दो ओरिजिन्स की, तो ब्राइटेस्ट डे के दरमियान ही आपको सुपरमैन प्राइम और ड्यूनकिंग थॉर के ओरिजिन्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मायामी, जहाँ पर व्हाइट लैंटर्न यानी के डेड मैन आ चुका था अपनी रिंग के साथ, और वो लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा था। तब रिंग कहती है, इसमें इन्वॉल्व मत हो बोस्टन ब्रांड, क्योंकि ये तुम्हारी फाइट नहीं है। तब डेड मैन कहता है, हाँ मैंने पूरी जिंदगी अपने आप से यही कहा है कि ये मेरी फाइट नहीं है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इनोसेंट्स मर रहे हैं यहाँ पर। तब रिंग बताती है कि लैंड और सी को प्रोटेक्ट करना ही एक दूसरे से यही मोटिवेट करता है आर्थर करी को, और इसी वजह से मैंने बर्मुडा ट्रायंगल ओपन करके उन सभी को एस्केप करने दिया। तब वो रिंग से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब रिंग बताती है क्योंकि ऐसा करना जरूरी था, क्योंकि एक्वामैन को मेरा का ट्रूथ जानना जरूरी था, और अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। तब ब्लैक मांटा अपना टैगर लिए एक्वामैन की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, और कहता है सी किंग अब मरो। लेकिन तभी जैक्सन बीच में आकर ब्लैक मांटा को दूर हटाता है और कहता है कि तुम अब से किसी को नहीं मारोगे डैड। इसी के साथ आज का वीडियो शुरू होता है। एक बार जो 12 विलन्स और हीरोज मर चुके थे, वो रिजरेक्ट हुए हैं व्हाइट लाइट के जरिए, जो कि अर्थ के डीप सेंटर से आ चुकी है, और इसी वजह से ये अभी तक एक राज बना हुआ है। लेकिन ये अब ज़्यादा देर तक राज नहीं रहेगा, क्योंकि हम इस राज को सुलझाएंगे ब्राइटेस्ट डे में। तब जैक्सन को दूर हटाते हुए ब्लैक मांटा उससे कहता है कि दूर हटो बच्चे, तुम ताकतवर हो लेकिन अभी भी अनट्रेंड हो। और तब जैक्सन पर वो हमला करता है, जिस पर जैक्सन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो डैड, जिस लोगों ने तुम्हारी बीवी को यानी मेरे माँ को मार दिया, तुम उन्हीं की साइड ले रहे हो। तब वो उससे कहता है कि तुम्हारी मदर मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती थी, जैसे कि तुम भी नहीं रखते। लेकिन तभी उस पर हमला करते हुए मेरा कहती है, तुम अब किसी और बच्चे की जान नहीं लोगे ब्लैक मांटा। और तब हम देखते हैं मेरा और उसके साथ एक लड़की को, और मेरा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ब्लैक मांटा को वहाँ से दूर भगा देती है, और वो लड़की प्रोटेक्ट करती है जैक्सन को और कहती है कि उनके हेड पर मारो, ये उनकी कमजोरी हो सकती है। और तब जैक्सन उसकी तरफ देखता ही रहता है, और तब वो उससे पूछता है कि तुम हो कौन। तब वो कहती है कि मेरा नाम है लॉरेन और सभी लोग मुझे एक्वागल कहते हैं। तब वो पूछता है कि क्या तुम एटलांटियन हो। तब वो कहती है, नहीं तुम्हारी जितनी तो नहीं। और तब वो सभी लोग उन पर हमला करने लगते हैं। तब आर्थर का कटा हुआ हाथ देखकर मेरा उसकी तरफ पैनिक करते हुए कहती है, आर्थर तुम्हारा हाथ। तब वो कहता है, मैं ठीक हूँ। इस पर मेरा कहती है, लेकिन अगर खून ऐसे ही बहते रहा तो तुम ठीक नहीं रहोगे। तब एक्वामैन जैक्सन से कहता है कि जैक्सन तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी टच इसे रोक सकता है, और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और तब अपने इलेक्ट्रिसिटी टच को उसके हाथ पर रोकते हुए वो ब्लड को फ्रीज कर देता है। और तब हम देखते हैं एक्वामैन को अपने जले हुए कटे हुए हाथ के साथ आगे बढ़ते हुए, और तब वो उन सब पर हमला करने लगता है। तब वो मेरा से पूछता है कि आखिर ये बाहर कैसे आए। तब वो कहती है, लेकिन मुझे नहीं पता। तब वो कहता है, मेरा मुझे जानना है। तब वो कहती है कि आर्थर, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी लॉयल्टी किसकी तरफ है। तब वो कहता है, नहीं मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा। लेकिन तभी उन दोनों को इंटरप्ट करते हुए लॉरेन कहती है कि इंटरप्ट करने के लिए माफ़ करना, लेकिन यहाँ पर 4 के अगेंस्ट 100 है, तो किसी के पास प्लान है इन्हें रोकने का। तब मेरा कहती है, हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। और तब हम देखते हैं मेरा को कुछ अनहोना करते हुए। तब जैक्सन, लॉरेन और सभी जेबेलियंस के साथ साइरन भी उसकी तरफ देख रही थी, और तब लॉरेन कहती है कि वो पूरे ओशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तब जैक्सन कहता है कि वो प्लीड कर रही है। तब एक्वामैन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, मेरा तुम खुद को चोट पहुंचा रही हो। तब वो कहती है कि नहीं रुको आर्थर, तुम मुझे बताओ कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है। तब वो कहता है, हाँ। और तब हम देखते हैं मेरा को पूरा ओशन कंट्रोल करते हुए अपनी आँख और कानों से ब्लीड करते हुए। तब यहाँ पर ब्लैक मांटा और लॉरेन और साइरन ये देखकर हैरान थे। और तब हम देखते हैं पूरे सी को
अपना कोष छोड़ते हुए और अंदर जाकर फिर एक बार बाहर आते हुए। और इसी के साथ मेरा उन सभी को अपनी वाटर कंट्रोलिंग पावर के साथ एक बार अंदर खींच लेती है सभी जेबेलिन्स को, और बीच क्लीन हो जाता है। और तब एक्वामैन इसी मौके का फायदा उठाकर जैक्सन को लेकर अंदर जाता है, लेकिन जैक्सन कहता है कि इसके लिए हमें एक आर्मी की जरूरत पड़ेगी। तब वो कहता है हाँ, और मेरे पास ये आर्मी है। और तब वो अपनी पावर्स की मदद से उन सभी डेड सी क्रीचर्स को जगाकर वहां पर ले आता है उन सभी जेबेलियन से लड़ने के लिए। और यहाँ पर उसे ज्वाइन करने के लिए मेरा, लॉरेन और जैक्सन आ चुके थे। यहाँ पर सायरन को मारते हुए मेरा कहती है कि तुम इतनी इविल नहीं हो सकती कि सरफेस के लोगों को मारकर खुद को टॉलरेट कर सको। तब वो कहती है कि इविल इस बात का मतलब तुम्हें ज्यादा समझना चाहिए जिसने अपने लोगों और अपनी बहन तक को धोखा दिया, और किंग ऑफ एटलांटिस को भी। वो झूठा किंग जो कि अपने ही लोगों के जरिए हेट किया जाता है अपने आधे खून की वजह से, और अब वो तुम्हें भी उसका सच जानने के बाद नकार देगा, रिजेक्ट करेगा तुम्हें भी वो। और जैसे ही वो बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास पहुंचते हैं तब जैक्सन ग्लो करने लगता है। तब एक्वामैन उसे समझाता है कि हम अब बर्मुडा ट्रायंगल के एज पर है, तो अपने में से पावर फ्लो होने दो जैक्सन, और इन सभी को बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर लॉक कर दो। और यहाँ पर मेरा से सायरन कह रही थी कि तुम आउटकास्ट की जा चुकी हो और हमेशा तुम अकेले ही रहोगी। और यहाँ पर जैक्सन उन सभी को बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर कैद कर देता है। और यहाँ पर जाते हुए सायरन और ब्लैक मांटा उन्हें धमकी देते हुए जाते हैं कि हम हमेशा यहाँ पर नहीं रहेंगे, और जब मैं बाहर आऊँगा तब मैं तुम्हारे बेटे की तरह ही उस बच्चे को मार दूंगा तुम्हारी आंखों के सामने। और तब सायरन मेरा से कहती है कि मैं यहाँ पर इम्प्रिजन नहीं हुई, लेकिन तुम वहाँ बाहर इम्प्रिजन हो चुकी हो मेरा। यहाँ पर वो सभी खुशी थे, और इस खुशी के मौके पर एक्वामैन मेरा से कहता है कि तुम अब आउटकास्ट की जा चुकी हो, लेकिन हम में से सभी दो दुनियाओं से बिलोंग करते हैं और हम सभी इसी सिचुएशन से गुजरते हैं, तो अच्छा यही होगा कि हम एक दूसरे का साथ दें। और तब मेरा उससे माफ़ी मांगती है, और तभी एक्वामैन एक रोमांटिक और पैशनेट किस करता है मेरा को। और तभी उसकी तरफ देखते हुए लॉरेन कहती है कि इस बारे में सोचना भी मत, और जैक्सन चुपचाप खड़ा रहता है वहाँ पर। लेकिन तभी एक्वामैन ग्लो करने लगता है, और यहाँ पर डेडमैन आते हुए कहता है कि एक्वामैन बाहर जाओ यहाँ से इससे पहले कि मैं तुम्हें, और तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि एक्वामैन अपने ट्राइडेंट और सिंबल को छोड़कर वहाँ से गायब हो चुका था, और यहाँ पर मेरा उसके नाम से चिल्ला रही थी। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ अगर आपके पास इस वीडियो के अलावा और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो भी मुझे कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।